Students, so welcome to Easy Biology Tutorials. In the last class, we have discussed with the DNA fingerprinting, and the DNA fingerprinting में हमने ये समझा था that DNA carries some non-coding sequences. They are known as the repetitive sequences, and number of repeats is specific from person to person. In this DNA fingerprinting, we are going to discuss ahead, and let us see what is there. So, see students. Repetitive DNA can be separated from the bulk genomic DNA as different peaks during density gradient centrifugation. देखो students, मैंने आपको बताया था कि suppose मेरे father के अंदर कोई भी एक sequence है वो different time repeat हो रहा है, mother के अंदर different time repeat हो रहा है, तो मेरे अंदर दो chromosomes हैं, मतलब कि pair of the chromosomes हैं, and जो homologous chromosomes के ऊपर एक homologous chromosome is representing my father DNA and the next homologous chromosome is representing the mother DNA. तो उसके according मैं क्या कर सकती हूँ, read कर सकती हूँ कि ये मेरा जो जो मेरा sequence है वो मेरे parents के साथ मिल रहा है या नहीं मिल रहा. इससे क्या हो जाता है, proof हो जाता है that am I really the child of my parents or not. ठीक है, बट द मेन थिंग इज अगर हमने डीएनए की सेपरेशन कर ली तो हम उसकी रीडिंग तो कर ही लेंगे. सेपरेशन कैसे करते हैं, जो हमारे पास रेपिटेटिव डीएनए है उसको हम बल्क डीएनए से सेपरेट कर सकते हैं. रेपिटेटिव डीएनए इज नोन एज द सैटेलाइट डीएनए एंड सैटेलाइट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. ठीक है, मिनी एंड माइक्रो सैटेलाइट दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. देखो पहले मैंने डीएनए लिया टेस्ट ट्यूब के अंदर, दैट वॉज यूनिफॉर्म. व्हेन आई सेंट्रीफ्यूज्ड दिस डीएनए तो क्या हुआ, ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग उसकी सेपरेशन हो गई. ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग सेपरेशन हो गई. ये जो मेजर पीक है दिस इज द बल्क डीएनए, एंड ये जो माइनर पीक्स आ रहे हैं दीज आर द सैटेलाइट डीएनएस. ठीक है, द बल्क डीएनए फॉर्म्स द मेजर पीक एंड द स्मॉल पीक्स आर कॉल्ड द सैटेलाइट डीएनए. अब क्वेश्चन जो है आपको इस टेस्ट ट्यूब डायग्राम बेस्ड भी आ सकता है, एंड हो सकता है कि जो सिंपल है वो भी आ सके कि मेजर पीक जब ग्रेडियंट के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मेजर पीक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है स्टूडेंट, सो दिस इज द थिंग. नाउ देखो जो सैटेलाइट्स है वो हमारे पास दो टाइप्स के सैटेलाइट है. द फर्स्ट टाइप इज द माइक्रो सैटेलाइट. माइक्रो सैटेलाइट को हम शॉर्ट टेंडम रिपीट्स भी बोलते हैं. 6 से लेके 20 टाइम तक कोई भी रेपिटेशन है, कोई भी सीक्वेंस है वो रिपीट हो रहा है, तो दे आर द शॉर्ट टेंडम रिपीट्स. इसको क्या बोला जाता है, माइक्रो सैटेलाइट बोला जाता है. ठीक है, तो ये देखो इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं. सैटेलाइट डीएनए इज क्लासिफाइड एज माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट एक्सेट्रा बेस्ड ऑन द बेस कॉम्पोजिशन, दैट इज एटी रिच और जीसी रिच, लेंथ ऑफ द सेगमेंट एंड नंबर ऑफ रेपिटेटिव यूनिट्स. एक सीक्वेंस के अंदर कितने टाइम्स रेपिटेशन हो रही है, उसकी क्या लेंथ है, एंड एवरीथिंग दिस इज बेस्ड ऑन, उसके बेस पे हम उसको माइक्रो सैटेलाइट बोलते हैं. ठीक है, माइक्रो सैटेलाइट के अंदर कम रेपिटेशंस होती है 6 से लेके 20 तक. नाउ नेक्स्ट इज अ डीएनए सीक्वेंस व्हिच इज टैंडमली रिपीटेड इन मेनी कॉपी नंबर्स इज कॉल्ड वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स, मिनी सैटेलाइट बीएनटीआर. ठीक है, ये देखो हंड्रेड्स ऑफ बेस पेयर्स आर बीइंग रिपीटेड आफ्टर दैट, पर ये इनके जो रेपिटेशंस है वो कम टाइम्स होगी. इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स. तो जो माइक्रो सैटेलाइट्स होते हैं वो 6 से 20 टाइम तक रिपीट होती है, एंड जो मिनी सैटेलाइट होती है वो 100 टाइम्स रिपीट होती है, एंड बार बार रिपीट होता है ये सीक्वेंस. इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स. इन अ पर्सन कॉपी नंबर वेरीज इन ईच क्रोमोसोम. Two alleles, that is paternal and maternal, of a chromosome contain different copy numbers of VNTR. A variable number tandem repeat मतलब कोई भी tandem, कोई भी repeat है. ठीक है students, जैसे कि ये sequence है, मैं आपको एक sequence लिख के देती हूँ, TT triple T GC. This is being repeated 100 times in my mother's DNA. Mother के DNA में ये 100 time repeat हो रहा है, लेकिन father के DNA में ये रिपीट जो है 170 टाइम रिपीट हो रहा है. तो आई एम द हाइब्रिड ऑफ माय मदर एंड द फादर, तो मेरे पास जो क्रोमोसोम होगा स्टूडेंट्स दैट वुड बी हाफ ऑफ माय डीएनए वुड बी फ्रॉम द पेटर्नल
मतलब कि पेरेंट फादर के अकॉर्डिंग होंगे, मेरे एक आर्म क्रोमोसोम की दो आर्म्स में से एक आर्म के अंदर ये ज्यादा रेपिटेशंस होंगी जो रिप्रेजेंट कर रही है मेरे फादर को, और एक आर्म के अंदर कम रेपिटेशंस होंगी जो जो क्या कर रही है इंडिकेट कर रही है मेरी मदर को. VNTR is also specific from person to person because it is also number of repetitions. जैसे हमने repetitions की बात की थी, repetitions में एक type है VNTR. The size of VNTR varies from 0.1 to 20 kilobase. Kilobase का मतलब 0.1 kilobase का मतलब क्या हुआ students? 100 bases. ठीक है, किलो का मतलब हमेशा थाउजेंड होता है, तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो इसका नंबर जो है 0.1 to 20 किलो बेस. मतलब एक पर्सन के अंदर ये 100 हो रहा है और दूसरे पर्सन के अंदर ये 10,000 बार हो रहा है, 9,000 बार हो रहा है, एंड इन दिस वे इट इज वेरी. एनी डिफरेंस इन द न्यूक्लियोटाइड sequence that is inheritable mutation observed in a population is called DNA polymorphism variation at a genetic level. Polymorphism is higher in non-coding DNA sequence because mutation in these sequences may not affect any individual's reproductive ability. These mutations accumulate generation to generation causing polymorphism. जैसे स्टूडेंट यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, एक पर्सन है, एक पर्सन के अंदर यहाँ पे ए है, दूसरे पर्सन के अंदर यहाँ पे जी है, तीसरे पर्सन के अंदर यहाँ पे टी है. सो दिस इज अ पॉलीमॉर्फिज्म. सिंगल न्यूक्लियोटाइड, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस है, एंड दिस इज नॉट अफेक्टिंग एनी जीनोटाइप बिकॉज ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, that is present in the non-coding DNA, and these are known as the single nucleotide polymorphism. They are specific to a population. Suppose करो मेरे पास एक population है, that is कोई भी population A. Population A is having a SNP at 22nd chromosome. 22nd chromosome की 1500 position पे SNP found है. तो 1500 की पोजीशन पे किसी के पास एडेनिन होगा, वहां पे किसी के पास ग्वानिन होगा, किसी के पास थायमिन होगा, किसी के पास साइटोसिन होगा. सो इन दिस वे दिस इज अ पॉलीमॉर्फिज्म दैट इज फाउंड इन अ पॉपुलेशन. वही अगर मैं पॉपुलेशन बी ले रही हूँ तो उसमें क्या होगा, उसमें 16th क्रोमोसोम के ऊपर एसएनपी होगा, एंड दिस एसएनपी डज नॉट इफेक्ट द genotype, affect the phenotype of the organism. Why? Because ये non-coding, ये coding region में है ही नहीं. genes के अंदर अगर mutation होती है तो वो sensible, वो कोई sense बनाती है. लेकिन अगर non-genetic मतलब non-coding region के अंदर present होती है कोई भी mutation तो वो non-sense mutation बताती है. पर वो mutation बहुत ज़्यादा role play करती है. कहाँ पे role play करती है? यहाँ. Polymorphisms have great role in evolution and speciation. These mutations accumulate generation to generation causing polymorphism. Now isolation of the DNA. How can we isolate the DNA? DNA को isolate कर देखो, DNA है जो हमारे पास, one is the bulk DNA and second is the repetitive DNA. Repetitive DNA को हम बोलते हैं, we can say it as satellites. Satellites are of two types, mini satellites and micro satellites. Mini satellites are short tandem repeats and micro satellites are variable number tandem repeats. Everything is special, specific from person to person. Lekin DNA fingerprinting ke andar variable number tandem repeats ki zyada ahmiyat hai. Theek hai students? Now ye to humne dekh liya ki humne pehchanna kaise. Next is ki hamare paas koi part hai. हेयर, लाइक हेयर है, ब्लड स्टेन है, सीमेन स्टेन है, सलाइवा है, या बोन है, या स्किन है, कुछ भी है हमारे पास वो चीज है, तो हम उससे डीएनए निकालेंगे कैसे. सो फ्रॉम एनी सेल्स और ब्लड स्टेन, सीमेन स्टेन, सलाइवा, हेयर रूट, बोन, स्किन एक्सेप्टा, वी कैन आइसोलेट द डीएनए ऑफ द पर्सन. हाउ कैन वी आइसोलेट द डीएनए ऑफ द पर्सन?
फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेशन ऑफ द डीएनए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम देखो हमारे पास सेल्स हैं, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ये आपने सेल वाले चैप्टर के अंदर रीड किया हुआ है ऑलरेडी। तो हर सेल के अंदर अगर न्यूक्लियस है तो उस न्यूक्लियस को तोड़ के हम डीएनए को बाहर निकाल सकते हैं। डीएनए को बाहर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, डाइजेशन ऑफ द डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएसेस। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन आएगा दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएसेस। द फंक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएसेस इज डाइजेशन ऑफ डीएनए, ब्रेकिंग डाउन द डीएनए इंटू स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स। एंड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के तोड़ने का एक तरीका होता है, वन एंड इज अ स्टिकी एंड एंड अदर एंड इज द ब्लंट एंड। स्टिकी एंड क्या होता है स्टूडेंट्स, जब आप टेप को कट करते हो अपने हाथ से, ठीक है, तो आप देखोगे कि वो ना अनइवन सी कट होती है, क्योंकि एक एंड उसका बड़ा होता है, दूसरा एंड छोटा होता है, लाइक दिस, है ना। तो दीज आर द स्टिकी एंड। स्टिकी एंड मतलब जो चीज बाहर की तरफ को निकल रही है, दैट इज अ स्टिकी एंड। एंड दूसरी साइड पे जो दूसरा एंगल है, दैट इज अ ब्लंट एंड। सेपरेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हमने डीएनए, हमारा डीएनए बहुत बड़ा होता है, डीएनए को हमने क्या कर लिया, डाइजेस्ट कर लिया, स्मॉल फ्रेगमेंट्स के अंदर तोड़ लिया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम सेपरेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द डेंसिटी, डेंसिटी के अकॉर्डिंग हम उसको सेपरेट कर लेंगे बाय द मेथड नोन एज द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देन ट्रीट द डीएनए फ्रेगमेंट्स विद एल्केली सॉल्यूशन टू डीनेचर द डीएनए बॉन्ड्स इन द जेल इनटू सिंगल स्ट्रैंड्स। तो सिंगल स्ट्रैंड्स में, डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, तो डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट वुड वी डू, वी वुड ट्रीट द डीएनए फ्रेगमेंट्स विद द एल्केली सॉल्यूशन। एंड एल्केली सॉल्यूशन से ट्रीट करने के बाद द डीएनए इज डीनेचर्ड और टूट जाता है वो सिंगल स्ट्रैंड्स के अंदर। So first is you have to remember how do we digest the DNA? Digest the DNA मतलब digesting क्या होता है? Complex molecule को simple molecule के अंदर convert करना, मतलब DNA जो हमारे पास इतना bulk के अंदर present है, इतना बड़ा present है, उसको हम तोड़ के छोटे molecules के अंदर कैसे transfer कर रहे हैं? That is digestion of the DNA. And then separation of the DNA fragments, we are doing it by gel electrophoresis and NaOH के साथ, मतलब alkali solution, NaOH is a base, is a alkali, उस base का aqueous solution हम alkali बोलते हैं, alkali के साथ treat करवाने के बाद उसको हम single strands में convert कर सकते हैं। उसके बाद what would we do? Transfer of the DNA fragments to a synthetic membrane such as nitrocellulose or nylon, जो हमने gel के ऊपर, जेल के अंदर हमारे डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब हमने क्या करनी है, जेल के अंदर से ये सारे के सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स एक सिंथेटिक मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर कर देने हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉटिंग, ठीक है, ब्लॉटिंग बोलते हैं। एंड ये मेम्ब्रेन कौन कौन सी होती है, दीज आर द नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन और द नायलॉन मेम्ब्रेन। नाउ hybridization using radioactive labeled VNTR probe. Up students, we are having a VNTR probe. What is a VNTR probe? Variable number tandem repeats. Place the nitrocellulose filter paper in a solution of radioactive labeled single stranded DNA probe. हमारे पास DNA है single stranded, उसको हम radioactive DNA के साथ क्या कराएंगे, hybridize करवाएंगे। ये जो probe है, हमें पता है कि ये probe है, complementary होंगे। probe क्या होता है, part of the DNA, ये complementary होगा, ठीक है, this is complementary। suppose करो मेरा जो probe है, that is CTGACT, ठीक है, दिस इज माई प्रूफ। तो ये किसके साथ बाइंड करेगा, GACTGA, ठीक है, इसके साथ बाइंड करेगा। मतलब जहां पे भी डीएनए के अंदर ये वाला सीक्वेंस होगा GACTGA, GACTGA, जितनी बार ये मेरा प्रोब उसके साथ बाइंड करेगा, वो क्या करेगा, लाइटन अप हो जाएगा, एनलाइट हो जाएगा, रेडियो एक्टिव है तो मुझे पहचान आ जाएगी। अब सपोज करो कि 100 बार हो रहा है, जो मेरे पास कोई कल्प्रिट है, सपोज करो मुझे किसी पे शक है, मैंने उसका डीएनए सैंपल ले लिया, उसके डीएनए सैंपल के अंदर ये वाला जो सीक्वेंस है ये 500 बार रिपीट हो रहा है, 500 बार, या से की 555, ठीक है, इतनी बार रिपीट हो रहा है। अगर मेरे
सैंपल के अंदर, जो ब्लड सैंपल या फिर कोई भी सैंपल मेरे पास मिला था चाकू के ऊपर या किसी भी टाइप का हेयर या सलाइवा कुछ भी मिला था, उसके अंदर भी ये सीक्वेंस 5 5 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है, देन वो पर्सन क्या है, कल्प्रिट है। अब सिर्फ एक ही डीएनए का प्रूफ नहीं होगा, ये तो मैंने एक प्रूफ की बात की है, हो सकता है मेरे पास 15 16 और भी ऐसे प्रूफ्स हो जिससे ये प्रूव हो जाए। मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ प्रूफ रीडिंग टेक्निक, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक सीक्वेंस पर्सन के अंदर सेम नंबर का रिपीट हो रहा है, लेकिन 15 16 सीक्वेंस सेम नहीं रिपीट हो सकते, देयर इज अ वेरी लेस चांस फैक्टर, इसलिए इसको हम 15 16 बार करते हैं मैच, अगर मैच हो जाता है देन दैट पर्सन इज द कल्प्रिट। So this is known as the hybridization. Hybridization using radioactive labeled VNTR probe. कि कोई variable number tandem repeat के according मैंने probe बना लिया। Probe का मतलब क्या होता है? DNA sequence of complementary nature. Probe क्या होता है? Probe is the DNA sequence of complementary nature. ठीक है? ठीक है स्टूडेंट्स, सो दैट वाज ऑल अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन। So this was all about the Southern blotting technique. Now we are going to discuss detection of the hybridized DNA by auto